फागवाड़ा डिंगरपुर से कुंदर की रोड पर बिना रूट नंबर के अवैध रूप से ई रिक्शा व ऑटो चलने के संबंध में प्राइवेट बस यूनियन के स्वामियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्राइवेट बसों के संचालकों द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि उनके पास RTO द्वारा परमिट है, जिससे उनके वाहन कुंदर की डिंगरपुर होते हुए फागवाड़े तक पहुँचते हैं, लेकिन इन रूटों पर अवैध रूप से चलने वाले वाहन मनमाने दामों पर सवारियों को बैठा लेते हैं, जिससे परमिट पर चलने वाले वाहनों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि परमिट से चलने वाले वाहनों में सवारियां पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों को लेकर वाहन संचालक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी कि अवैध रूप से चलने वाले वाहनों को तत्काल रोका जाए और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। प्रदर्शन करने वालों में साजिद अली, अनीस अहमद, नसीम, इकराम आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या लेकर आए, क्या परेशानी? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि कुदरखी पागबड़ा मार्ग 22 किलोमीटर का एरिया, RTA प्राधिकरण ने 25 परमिट स्वीकृत किए हैं। हम उस पर बसें चला रहे हैं 1985 से। आज हालात ये हैं, रूट पर ई रिक्शा, विक्रम, टेम्पो, ऑटो अवैध रूप से इंतहा दर्जे को सारी सीमाएं लांग के मतलब थे। वैध गाड़ियां चलें, अवैध गाड़ियों पर फौरन अंकुश। लगभग कितनी गाड़ियां हैं जो अवैध है? देखिए, इनकी तादाद तो सैकड़ों में होगी, हम पूरी नहीं बता सकते। अलबत्ता हमारे पास 25 परमिट हैं, 22-23 गाड़ियाँ इस वक्त हमारी चल रही, जिनकी रिकवरी हमारी ख़त्म सी हो गई। हम टैक्स जमा करते हैं, कर्जा ले लेते हैं, फाइनेंस गाड़ियों पे खींचने की कगार में है। आपके पास परमिट है और वैध गाड़ी आप चला रहे, तो समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि पैसेंजर ये उठा रहे हैं, हमारी गाड़ी खाली चल रही है, डीजल महंगा है, सारा पैसा जो आता है हम सही से पूछता, डीजल की भी पूछ नहीं कर पाते। कौन कौन से अधिकारियों को अवगत कराया गया आज? हमने DM साहब महोदय और कप्तान साहब महोदय, इन दो को अवगत करा चुके हैं, और तीसरे हम कमिश्नर साहब को अवगत कराने जा रहे हैं, चौथे संभागीय परिवहन अधिकारी मनोहर को अवगत कराएंगे आज। ठीक है।